Hello, welcome again with a new series of my topics relating with commerce stream. That is a basic subject which is very important for commerce students, is accountancy. With some basic terms, I have already running through this series. The next part of this series going to share with you here in this video on my channel Jankari Hit. It's really very important. कोई भी कॉमर्स ज्वाइन करेगा तो अकाउंटेंसी के जो बेसिक टर्म्स हैं अगर हम उनको समझ लेंगे तो बड़ा स्मूथ चलने वाला है काम आगे। तो आइए जानकारी ही चैनल पे एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए कुछ नई टर्म्स के साथ। आप सबका स्वागत है। जस्ट मूव अहेड विद मी फॉर अ न्यू टॉपिक्स ऑन द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। लेट्स मूव। तो आइए द कंटेंट्स myself going to discuss here in this video very basic concepts। जब बच्चे प्लस वन कॉमर्स ज्वाइन करते हैं तो उनके सामने पहली समस्या इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की है, क्योंकि ये नया कंटेंट है उनके लिए। कंटेंट है डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ दीज कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स, व्हाट इज डेटर? पंजाबी और हिंदी में हम इनको देनदार। क्या है देनदार या डेटर? द एंटिटीज हु ओ एनी अमाउंट टू द बिजनेस एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स टू देम आर नॉन एज डेटर्स। मतलब वो संस्थाएं, वो संस्थाओं में फर्म हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, जिनसे कोई राशि लेनी बकाया है, बैलेंस है, उनसे लेने हैं, क्योंकि उनको कभी ना कभी उधार सेल किया है। क्रेडिट सेल इज देयर, ये बात ध्यान रखनी होगी। द डेटर कॉन्सेप्ट कम्स इन एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन देयर इज अ क्रेडिट सेल। जब उधार सेल करते हैं, और सेल भी किस चीज़ की? गुड्स की, तब डेटर्स क्रिएट होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। और डेटर्स के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? लेनदार। लेनदार क्या है? मतलब जिन्होंने, हम मान लो हम बिजनेस है, हमसे कुछ लेना है। द एंटिटीज टू हुम अमाउंट इज ऑर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज फ्रॉम देम आर नॉन एज क्रेडिटर्स। एंटिटीज मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कंपनी हो सकता है, बिजनेस संस्थान, जिसने हमारे से पैसे लेने हैं, अर्थात जिनको हमने पैसे देने हैं, अदा करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि हमने एज अ बिजनेस उनसे कुछ परचेज किया, और वो भी क्रेडिट परचेज किया। द कॉन्सेप्ट क्रेडिट परचेज इज देयर। जब बिजनेस किसी संस्था से, व्यक्ति से उधार परचेज करता है, क्योंकि उसको आने वाले टाइम में पैसे देने हैं, टिल देन बिजनेस की एक देनदारी क्रिएट होगी, जिसको हम लाइबिलिटी इज देयर, द कॉन्सेप्ट लाइबिलिटी इज देयर, उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, जिनको पैसे देने हैं। नेक्स्ट इज बैड डेट्स। व्हाट इज बैड डेट्स? अरे भाई, नाम बता रहा है। और ये जो ब्लैक कलर अपने आप में हमें एक बार स्पष्ट कर रहा है कि ये बुरे तो हैं। किसके लिए? बिजनेस के लिए। सिंबॉलिकली बुरा सा लग रहा है ब्लैक कलर, क्योंकि इनका नाम ही बुरा ऋण। पंजाबी में से कहते हैं माड़े कर्जे। द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज टर्म्ड एज बैड डेट्स। मीन्स एज अ बिजनेस देर आर मैनी डेटर्स ऑफ अ बिजनेस, सम ऑफ देम अनेबल टू पे, और विद देयर विलिंगनेस दे डोंट वॉन्ट टू पे। कितनी देर तक बिजनेस उनका इंतजार करेगा कि वो पैसे वापस करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, लास्ट में कब उनको लॉस में कन्वर्ट करके, वो लॉस बिजनेस के लिए एज ए बैड डेट्स हैं, क्योंकि ये वो डेटर्स हैं, वो इरिकवरेबल अमाउंट है
डेटर से जो कहीं मर गया है, अब नहीं आने वाला, एंड बिजनेस हैज डिसाइडेड, ऐसे इररिकवरेबल अमाउंट को जो डेटर से मिलने वाला था उनको बैड डेट्स कहते हैं, बुरे डेटर्स। ये संस्था के लिए एक तरह की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लाइबिलिटी मींस लॉस है ये भाई, देने नहीं है अब किसी को, ये बात ध्यान रखना। हम बैड डेट्स को कहीं लाइबिलिटी मानकर सोचते हैं कि एसेट्स में कमी आ रही है क्योंकि डेटर्स कम हो रहे हैं तो लाइबिलिटी करो, नो, एक्चुअली बिजनेस के लिए लॉस क्रिएट हो गया है, डेटर्स में कमी आ गई है इसमें। नेक्स्ट वन इज द परचेजेस। परचेजेस क्या है? जर्नल अगर हम बात करें, इन जर्नल वी मीन्स टू बाय समथिंग, कुछ भी खरीद लेना, बट फ्रॉम कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड बी क्लियर, वी मीन्स टू परचेज फॉर ओनली ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस मीन्स परचेज इज रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स which are obtained by business for resale or for use in production or rendering services. समझ आया? ध्यान से दोबारा सुनो। Purchase मतलब किसी चीज को खरीदना, वो total amount है जो वस्तुओं और सेवाओं को हम purchase करते हैं जिनको एक value होती है in rupees, और उनको इसलिए परचेज किया जाता है उनको दोबारा बेचना है फॉर रीसेल पर्पज, या प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करना है। इट शुड बी कीप इन माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली परचेज ऑफ गुड्स। परचेज सिर्फ बिजनेस में वही कहलाती है जब बिजनेस गुड्स को परचेज करता है। गुड्स मीन्स इन विच बिजनेस डील्स इन, जिसके हम व्यापारी हैं। इट शुड बी कीप इन माइंड परचेज कैन बी आइदर इन कैश और क्रेडिट, चाहे भाई पैसे दो तब परचेज करो या क्रेडिट करो। परचेज मीन्स द एक्वायरिंग ऑफ अ गुड्स, गुड्स इट शुड बी कीप इन माइंड, सिर्फ गुड्स की खरीद को हम परचेजेस में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन इज परचेज रिटर्न। क्लियर, इसका नाम बता रहा है, परचेज रिटर्न और रिटर्न विच इज नॉन एज ऑल्सो रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि बिजनेस से जो परचेज किया था वो बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। आर गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स टू द सप्लायर। कस्टमर मतलब मान लो हम हैं, हमने परचेज किया था एज अ बिजनेस, हमने जहां से इस परचेज किया वो हमारा सप्लायर था जिसने हमें गुड्स सप्लाई की थी, उनको किसी भी कारण से गुड्स में कमी थी, कुछ उसकी क्वालिटी इन्फीरियर थी, कंडीशन ऐसी थी सैंपल के अकॉर्डिंगली नहीं थी, गुड्स वापस कर दी, एंड दैट कॉन्सेप्ट एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज परचेज रिटर्न। ये एक बात ध्यान रखनी होगी कि सिर्फ गुड्स की वापसी ही परचेज रिटर्न होती है, किसी एसेट्स की वापसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जस्ट वी कैन सी हेयर देर इज अ शॉप ऑफ अस, हमारी शॉप है ये वाली, हमने कुछ गुड्स कभी इक्वायर की थी, परचेज की थी, हमने क्या किया गुड्स को वापस भेज दिया, जाओ भी हमें पसंद नहीं है, इसको ही तो परचेज रिटर्न कहते हैं। जो गुड्स थी हमारी शॉप में, फैक्ट्री में, बिजनेस में आई हुई, उनको जब वापस कर दिया सप्लायर को, दैट इज परचेज रिटर्न। एंड द नेक्स्ट इज द सेल्स। सेल्स रेफर्स द अमाउंट फॉर विच गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। इट कैन बी कैश और क्रेडिट बेसिस। इफ एनी एसेट इज सोल्ड इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सेल्स। सेल्स मीन्स वो मूल्य है, वो कीमत है जिसकी गुड्स और सर्विसेज हमने किसी को सेल आउट कर दी। गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन बी कैश और क्रेडिट। ये जो सेल है ये कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी, या तो हमने सेल की वस्तुएं दी और पैसे ले लिए, दैट इज कैश सेल, और हमने कहा कुछ देर बाद दे जाना पैसे भी, जब जिससे पैसे लेने हैं वो हमारा डेटर बन जाएगा जब क्रेडिट सेल होगी। सेल मीन्स या ध्यान रखना होगा If we sold out any asset of business, business कोई संपत्ति है, कार है business की, building है, उसको sell out किया, that is not included in a sale, इसको sale में शामिल नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ goods को शामिल किया जाता है, services को शामिल किया जाता है in which business deals in, जिसके हम व्यापारी हैं। So the next concept is sales return। हमने sale किया और जैसे हम वापस कर सकते हैं तो जिसको सेल किया उसने हमारे बिजनेस को वापस कर दिए, हमें वापस कर दिए।
That is called sales return. When goods sold to customer is returned by the buyer or the customer is called sales return, or another name is return inward. Inward, वापिस आ जाना. In, जिनको सेल आउट किया था, जिसको बेचा था हमने, उस ग्राहक ने या खरीदार ने वस्तुओं को, सामान को वापिस बिजनेस में भेज दिया. That process is known as sales return. The next is, so the conclusion for today's topic discussed here regarding debtors, creditors, bad debts, purchase return and sale return is that debtors kya hai, jinse business ne paise lene hain. Paise kisse lene hain? Jinko kabhi udhar sale ki hai. Whenever any business sold the goods on credit to other persons or institutions, that person or institution or entities are called debtors of the business, क्योंकि उनसे पैसे लेने हैं. Similarly, when a business during the process of credit purchase, तो business ने पैसे उनको देने हैं. जब business उधार किसी से purchase करेगा तो पैसे देने हैं. The entities or I can say the firms or persons or to whom the business or to जिनको business ने पैसे देने हैं, वो सबके साथ business के creditors हुए. नेक्स्ट इज द बैड डेट्स. बैड डेट्स मतलब जो डेटर्स पैसे देने से मना ही कर दें, पता चला कि आप पैसे नहीं होंगे. द अमाउंट विच इज द डेटर्स फ्रॉम हूम द अमाउंट इज इररिकवरेबल, मिली गई नहीं, एंड बिजनेस ने डिसाइड किया उनको वाइंड अप करें एज ए लॉस दिखाकर. तो वो सबके सब जिन डेटर्स से हमारे जो डेट्स थे, पैसे आने थे, वो सबके सब इररिकवरेबल हो गए, मिलने की कोई संभावना नहीं उनको, बैड डेट्स. परचेज, परचेज मीन्स इट शुड बी क्लियर टू अस, it is a process or we can say involve those goods or acquired quantity of goods which a business want to use for resale purpose or during its production process is called purchase. ye dhyan rakhna hoga, purchase mein sirf goods hoti hain. agar business ne kisi se kuch purchase kiya hai, usko khareeda hai, to ek baat saaf hai, agar business ne goods means in a which business deals in, maine pehli series mein bhi aapko bataya tha कि गुड्स का मतलब सिर्फ वही वस्तुएं जिनका हम व्यापार करते हैं. तो गुड्स में ये बात स्पष्ट है कि परचेज में सिर्फ गुड्स की जो परचेज है, जो एक्वायर किया है गुड्स को, सिर्फ वही परचेज है. ये कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी. सिमिलरली परचेज रिटर्न, बिजनेस को भी गुड्स परचेज की, वापस कर दी क्योंकि देयर आर सर्टन कंडीशंस, गुड्स अच्छी नहीं थी, उनमें कमियां थी, तो वापस की. एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नॉन एज द परचेज रिटर्न. व्हेन अ बिजनेसमैन return the goods to its supplier is called purchase return. Similarly, sale return क्या है, जब business ने sale की, goods को किसी को sell out किया, लेकिन उसने वस्तुएं वापस कर दी, goods वापस कर दी, that one is called sale return. Similarly, these concepts we should be clear about us. If you have any inquiry these concepts, you can ask in the comment and so that I can answer you. अगर इन सभी concepts में आपको कोई problem लग रही है, आप मुझसे नीचे comment बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं सबका जवाब दूंगा. अगर ये वीडियो अच्छी लगी, सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. आई विल कम विद अ न्यू सीरीज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी. टिल देन, थैंक यू वेरी मच. सो अगेन आई विल कम हियर विद न्यू जानकारी, कुछ रोचक जानकारियां आपके साथ. अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के बारे में हम शेयर करेंगे, एक नई सीरीज, एक नया कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट. टिल देन, बाय बाय. लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल जानकारी हित. थैंक यू वेरी मच.